फॉलोअर्स अपनी दैनिक गतिविधि और नल्लेपन से परेशान होकर हम निकल पड़े चिड़ियाघर, क्योंकि मेरे को जाना था सुकून और शेर देखने के लिए। झूठ बोलता है कमीना। खैर हम निकल पड़े चिड़ियाघर और घुसते ही भाई हमको ये हिरन नील का कुछ तो था लोनी लोनी सा। थोड़ी देर बाद मैं नाले में वेल मच्छी दिखाता हूँ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। खैर हमको देखना था चिड़ियाघर के वो उसको शेर को देखने के लिए, तो टाइटेनिक वगैरह से आगे बढ़े जो पेड़ में QR कोड लगा रहता भैया। और खैर उसके बाद फाइनली हमको टाइगर दिख ही गया। उसके बाइसेप जितने थे उतनी तो हमारी पूरी बॉडी थी, उससे मेरा क्या फायदा। खैर हमने सोचा हम थोड़ी वाइप करेंगे, मस्त अच्छा अच्छा माहौल रहेगा, पर इतना अश्लील जानवर तो यहाँ के देखो देखो देख। उसको सांस तो लेने दे बे, कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार। खैर ये डिस्कस्टिंग चीज मेरे से देखी नहीं गई। हाँ उसके बाद हम आ गए मम की तरफ। मम आ गया। खैर उसके बाद ये पेड़ से बात करता हूँ, हमको एलिफेंट दिखा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और उसके बाद दिखा भालू। भाई वो गटर मस्ती कर रहा था तो मैं उसके पास ज्यादा नहीं रुका तो वहां से निकल गया। शाबाश बेटा। खैर हमारे जीवन की तरह लेम जोक्स मारते हुए हम पहुंच गए हमारे एक्स स्नेक हाउस की तरफ। व्हाटएवर, 3-4 दिन बाद गया था तो मेरे को दिखे थे पोकेमॉन। और भाई सब क्या लग रहे थे बवाल पास से देख। और फिर अंकल क्या कर रहे हो, पागल है क्या। खैर दोनों रूठे हुए थे एक दूसरे से तो हम वहां से फटाफट निकल ले, रिश्ते खराब हो रहे। तो वहाँ चिड़ियाघर के अलावा भिन्न भिन्न टाइप के जीव जंतु थे, जैसे बग्गू भाई को और उसके बाद लोलो डायल सेवा और फाइनली बदक कुमार को बाय बाय करके हम निकल पड़े चिड़ियाघर से बाहर। खैर गर्मी के मारे हमारी हालत बहुत खराब हो रही थी तो हमने आइसक्रीम खाना सही समझा। खैर आइसक्रीम का ऑर्डर देने के बाद और आइसक्रीम खाने के बाद हम निकल पड़े कि मैचोर टॉक्स करते हुए रेस्टोरेंट के पास के रेस्टोरेंट पे, क्योंकि हमको लग रही थी भूख भाई पेट पूजा बाकी काम दूजा। तो पेट पूजा करने के बाद हम फटाफट निकल पड़े देवगढ़ मंदिर की तरफ। और भाई मतलब मेरे को लगा शांत माहौल रखा, वहाँ तो अलग ही स्विमिंग पूल बन रखा था, कुंड में एकदम वाइब चल रही थी लोगों की। देवगुराड़ा स्विमिंग पूल। खैर हमने मंदिर दर्शन के लिए घंटी बजाई और जैसे ही अंदर प्रवेश करा हमको ये अलग अलग टाइप की फिशोन दिखी, नीमो ही नहीं था वहाँ पे बाकी सब थी। खैर जैसे ही मंदिर परिसर के अंदर उसे काफ़ी ठंडा और काफ़ी अच्छा वाइब दे रहा था, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी थी गाइस। तो हमने शिव जी के दर्शन करे, पूजा पाठ करी, उसके बाद क्यूटीज देखी और फिर हम निकल पड़े बाहर। मेन मंदिर के सामने जस्ट जो शिव जी से होकर पानी निकलता वो इन कुंडों में भी आता है, तो कुंड से हमने जैसे ही अपने चरण डाले ठंडा ठंडा बहुत अच्छी फील हो रही थी। और उसके बाद हम अंदर पहुँचे शिव जी के मंदिर में। और भाई अब तुम लोग फील देखो वहाँ की, तो गाइस उसके बाद हमने शिव जी के दर्शन करे और उसके बाद मैंने एक और नीचे हरकत कर दी। मैंने इसको बोल दिया इसके नीचे एक ऑक्टोपस है जिसके जेब में पाले जी रहता है, उसको खींच के ले जाता है। तो भाई बंदा नीचे नहीं आ रहा था, देख रहे हो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यार। तो भाई और बहनों अब तुम लोग वहाँ का सीन देखो। तो गाइस पानी पर छप छप और छम छम डांस करते हुए और सन को प्यारी सी झप्पी देते हुए हम निकले पड़े पड़ोस के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पे। और भाई वो मंदिर पे जो वाइब आ रही थी अलग ही, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई मेडिटेशन करने बैठ जाओ, इतना पीस था। एंड वैष्णो देवी मंदिर की फील अलग। एंड गाइस मंदिर का आर्किटेक्चर वगैरह इतना शानदार बना था कि वहाँ पे अगर मेडिटेशन करने बैठे तो क्राउन चक्र अनलॉक होना ही होना था। अब तुम लोग साउंड सुनो वो। तो गाइस इस मंदिर में मैंने शिव जी की पूजा करी और उसके बाद हम फटाफट निकल पड़े बाहर। पर गाइस कुछ भी बोलो मंदिर में एक अलग सुकून और ठंडक मिल रही थी। सो ये देवगुराला पे। सो फॉर मोर मिनी ब्लॉग्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।